वेलकम टू द चैनल एक्सपर्ट्स एज। माई नेम इज़ अभिषेक सिंह और आज की वीडियो में हम कैट 2022 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको इनपुट करनी है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सारे ही आपके डाउट्स एड्रेस होंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। ओके चलिए इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। सो रजिस्टर करने के लिए आपको कहाँ जाना है, वेबसाइट इज imcat.ac.in। आप चाहो तो गूगल पे उसको सर्च भी कर सकते हो, अपना पहला टैब वही आता है। ओके नाउ वंस यू क्लिक दिस वेबसाइट, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो ध्यान में रखनी है। अगस्त 3 से आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सेप्टेम्बर 14 को आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ ये ध्यान दो कि सेप्टेम्बर 14 में बिल्कुल लास्ट आप पूरे दिन भर का वेट नहीं करो। सेप्टेम्बर 14 में एट 5 PM आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो जाना है। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल लास्ट में जागते हैं, उनकी आंखें खुलनी है कि उनको कैट का फॉर्म फिलअप करना है, आप ध्यान रखना कि 5 बजे वो एंड हो जाएगा। 5 बजे से पहले आपका पूरा प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पेमेंट, सब कुछ क्लियर करना है आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अक्टूबर 27 को आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा एंड एग्जैक्टली 1 मंथ बाद नवंबर 27 इज योर टेस्ट डेट। तो इन डेट्स का आप ध्यान में रखो। ओके ऑल्सो वंस यू क्लिक दिस वेबसाइट्स, आपको 4 ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। ओके दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉगिन, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बीच में ही छोड़ दिया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कभी कभार होता है ऐसा, तो आप अपने प्रोसेस को वापस से कंटिन्यू कर सकते हो थ्रू दिस टैब। थर्ड ऑप्शन, कैट 2021 स्कोर कार्ड डाउनलोड, आप इस ऑप्शन से अपने लास्ट ईयर के स्कोर्स वापस से डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान से समझना। इट सेज रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन IIM इंस्टीट्यूशंस फॉर कैट 2022। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ठीक है, IIM में अगर उनको जाना है तो वो इस टाइप से रजिस्टर करेंगे, और अगर IIM छोड़ के बाकी कॉलेजेस में अप्लाई करना है नॉन IIM इंस्टीट्यूशंस में, तो इस टाइप से रजिस्टर करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके ये टैब आपके लिए नहीं है, ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है जो चाहते हैं कि उनके एडमिशंस कैट एग्जाम के थ्रू हो, ये टैब उनके लिए है। आई रिपीट वंस मोर, ये टैब स्टूडेंट्स आपके लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन इस वाले टैब से करना है। अब वंस यू स्टार्ट विद रजिस्ट्रेशन है, ये 2 फेजेस में होते हैं। एक आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा जहाँ पे आपके लॉग इन ID जनरेट होता है, और वापस से आप उस लॉग इन ID से आप अपने पूरे डिटेल्स, अपने अकेडमिक्स, अपना वर्क एक्स, अपने कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ अपने अपलोड करते हो। ठीक है, उस प्रोसेस को हम समझते हैं। राइट, अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही दिया है। ओके अच्छा, अब देखो कैट की एलिजिबिलिटी के बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, एनीवन जिन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री कुछ रिक्वायर्ड परसेंटेजेस ऑफ मार्क्स से कंप्लीट की है, वो कैट के लिए एलिजिबल हैं। बैचलर्स डिग्री के साथ साथ सपोज किसी के पास प्रोफेशनल डिग्रीज है, जैसे CA, CS, ICWA या FIAI, ये भी एलिजिबल हैं। ओके जो लोग अपने फाइनल ईयर में हैं विथ सम रिक्वायर्ड परसेंटेजेस, वो भी कैट के लिए एलिजिबल हैं। परसेंटेजेस की बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% एग्रीगेट होना चाहिए, और वैसे ही अपने जनरल EWS एंड NC OBC कैंडिडेट्स के लिए 50% इज द मिनिमम क्राइटेरिया। तो ये अपनी एलिजिबिलिटी हो गई। राइट, अच्छा, वंस वी स्टार्ट द प्रोसेस, मेक श्योर टू चेक अबाउट दीज मोजिला क्रोम के आपके पास लेटेस्ट वर्जन्स हो। आप चाहो तो एंड्रॉयड या iOS से भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपने वर्जन्स ये चेक कर लेना यहाँ से। ओके अच्छा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि चलो मैं इस स्टेप पे आपको बताता हूँ। वंस वी स्टार्ट ना, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट्स आपको अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से फिलअप करना है। मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग्स वगैरह वो सेम हो। ओके अच्छा, यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि कई बार फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उन सब चीज़ों में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो फर्स्ट नेम आप अपना नेम डालो स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना। ओके फर्स्ट नेम आपका अपना होना चाहिए, एंड बाकी के नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आई वुड से आप अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से स्पेलिंग्स चेक कर लो, उसके हिसाब से जो भी है कॉमन सेंस से आप अपने ये सब डेटा फिलअप करो यहाँ पे, ताकि आगे जाके कुछ कन्फ्यूजन्स नहीं हो।
वही अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ लोग का एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है, डॉक्यूमेंट पे कुछ और होता है, तो उसमें क्या फिलअप करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पे डेट ऑफ बर्थ है आपको वो फिलअप करना है यहाँ पे। ईमेल एड्रेस, आप एक ईमेल एड्रेस जो भी अप्रोचेबल हो, जिसके क्रेडेंशियल्स आपके पता हो, एक वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप डालो और यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस है। ये सारी चीज़ें मेक श्योर कि पहले से आप नोट करके रख लो कौन सा देना है। कई बार क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं, आपने पासवर्ड नहीं याद है, देखो ये सारे जो डेटा है ना ये आपको फर्दर कम्युनिकेशंस के लिए भी ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, तो मेक श्योर कि ये आप डेटा सोच समझ के यहाँ पे डालो। आपको क्या ईमेल एड्रेस भरना है, क्या फ़ोन नंबर भरना है, कोड आपको उस फ़ोन नंबर पे जाएगा। ओके, तो कोड नंबर आप फ़ोन नंबर भरिए। अच्छा, यहाँ पे एक मेन्यू है कंट्री, जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका कोड वापस से आ जाता है। जस्ट अ मिनट, मोबाइल नंबर में कंट्री कोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा और आप अपना मोबाइल नंबर भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड आपकी एक ओटीपी जनरेट होती है। फाइन, अच्छा मेक श्योर कि आप ये दोनों बॉक्सेस मींस डिक्लेरेशन आई अग्री ये क्लिक करते हो एंड दिस कैप्चा ये भरते हो, उसके बाद आप फिर अपनी ओटीपी जनरेट कर सकते हो। अब आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाएगा, वहाँ से आपको वापस से फिर से लॉगिन करना होगा। ओके, सो वंस यू सबमिट फ्रॉम हियर इट सेज कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। सो आपको वापस से दोबारा हमको वहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है, ये अपना बेसिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो यहाँ से आप वापस से फिर से लॉगिन करते हो, आपको आपका जो भी आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ था आप यहाँ पे लॉगिन करो, यहाँ पे कैप्चा भरो, लॉगिन करो एंड देन कुछ डिटेल्स आती हैं। अब देखो यहाँ पे अपने 6 टैब्स आते हैं, एक डिटेल आ गई पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स, टेस्ट सिटी एंड पेमेंट। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान ध्यान से भरनी है स्टूडेंट्स, राइट। नेम, जो नेम आपने उस वक्त भरा था वो नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद फिर से आपको कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारे नेम्स आपको वापस से भरने हैं। ओके, एक और बात, जो भी जहाँ पे स्टार लगा ना ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं, नॉन स्टार वाली चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, अब फादर नेम्स भरो, मदर नेम भरो, स्पाउस नेम ऑप्शनल है तो भर देना, नहीं भी भरा तो कोई बात नहीं। और अदर डिटेल्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, डेट ऑफ बर्थ जो आपने उस वक्त वहाँ पे दिया था वापस से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैंडिडेट्स जेंडर भरते वक्त ध्यान देना, कुछ लोग कभी कभी कन्फ्यूज कर देते हैं। ओके, नेशनैलिटी आप सेलेक्ट कर लो एंड योर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। एंड डू यू बिलोंग टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो ये आप यस नो अकॉर्डिंगली कर लो। उसके बाद अब यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स से पहले जैसे यहाँ पे एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर का भी टैब है, तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने गार्जियंस, किसी का भी नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो, कंपलसरी है। और यहाँ पे उसके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है ये आप लिख सकते हो, ऑप्शनल है, तो अकॉर्डिंगली आप फिलअप कर लेना। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं ये कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर लेता हूँ, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में भी अपनी वेबसाइट्स पे इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है, आप उसको पढ़ सकते हो। वहाँ पे एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे उसको लिखा होता है कि यू हैव टू सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैन एंड अपलोड। ओके, अब सेल्फ अटेस्ट में डाउट्स क्या आते हैं स्टूडेंट्स को, कि वो सोचते हैं इसको आपको खुद से ही अटेस्ट करना होता है, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। मेक श्योर कि जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको आप किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा के फिर स्कैन करके अपलोड करना है। वो आपको किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में आपको गैजेटेड ऑफिसर्स रहते हैं, आप वहाँ जाके उसको अटेस्ट कराइए, प्रॉपर स्कैन कीजिए उसको एंड देन अपलोड कीजिए। और एक कॉपी आप अपने पास भी रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, सब चीज़ें लगती रहती हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मेक श्योर कि वो आपके पास हो एट द टाइम ऑफ डूइंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फोटोज एंड सिग्नेचर की हम बात आगे करते हैं, आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखो फोटो एंड सिग्नेचर्स के भी कुछ स्पेक्स हैं।
क्या क्या स्पेक्स हैं फ़ोटो के लिए? तो आपकी एक ये रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, ओके। पिक्सल्स हमारे ये स्पेक्स होने चाहिए, फ़ोटो की साइज़ लेस देन 1 MB होनी चाहिए, कंप्रेस वगैरह आप करवा लेना, कर लेना खुद से, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ओके। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ JPEG एंड JPG फॉर्मेट, ओके। इसके साथ साथ और भी कुछ स्पेक्स होते हैं, देखिए, जैसे कि जब आप फोटो जो आप अपलोड कर रहे हो यहाँ पे, इट शुड बी इन वाइट बैकग्राउंड्स ओनली, अदर बैकग्राउंड्स की फ़ोटो आप नहीं अपलोड करो, ओके। आई वुड रिकमेंड कि आप किसी स्टूडियो में जाके स्पेसिफिकली कैट के लिए एक अपनी रिसेंट फ़ोटोग्राफ खिंचा लीजिए, और फोटोग्राफ खिंचाते वक्त कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपना कंट्रास्ट देखिए, कुछ भी फिल्टर वगैरह नहीं यूज़ कीजिए, राइट। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, फेस पे बहुत सारे हेयर्स, फेस आपका हेयर से कवर नहीं होना चाहिए। फ़ोटो खिंचाते वक्त आपको बहुत स्टाइल नहीं मारनी है, इधर उधर नहीं देखना है, स्ट्रेट फोटोग्राफ खिंचाइए, ओके। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें हों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो भी फोटोग्राफ आप यहाँ अपलोड करते हो ना, उसकी एक कॉपी अपने पास भी आप रख लो, बिकॉज जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो कॉपी वहाँ पे स्टिक करके करनी पड़ती है आपको, ओके, इसी फोटोग्राफ की। तो एक कॉपी आप इस फोटोग्राफ की अपने पास भी रख लीजिए, ठीक है। और उसको भी आपको प्रॉपर स्कैन करना है, स्कैन करके फिर अपलोड करना है। एंड सिमिलरली फॉर योर सिग्नेचर ऑल्सो, स्टूडेंट्स सिग्नेचर करने के लिए आप एक ब्लैंक शीट लीजिए, लाइनिंग वाली शीट नहीं, आप एक ब्लैंक शीट लो और ब्लैंक शीट पे आप अपना सिग्नेचर कीजिए, उसको स्कैन कराइए एंड देन अपलोड इट हियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसको आप अपलोड करके सबमिट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अपने एकेडमिक्स पे, राइट। अब देखो, एकेडमिक्स में आपको अपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बाकी सारी और भी डिटेल्स ये अपलोड करनी होती हैं। फटाफट देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं, बहुत ही बेसिक है। देखो, आपको अपना बोर्ड नेम, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेंड, टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेंड हुए हैं, एग्रीगेट परसेंटेजेस, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं। सो आई वुड से कि जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, आप के पास वो मार्कशीट होनी चाहिए। अब ये चीज़ें इतनी याद नहीं रहती हैं कि किस मंथ में हमने किया था, किसी ईयर, एग्जैक्टली हमको याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो मार्कशीट आपके पास हो ये फॉर्म फिल करते वक्त। इसमें अब दो टाइप्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेंड। सो कुछ स्टूडेंट्स के मार्कशीट में, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता रहता है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्कशीट में ये चीज़ें मेंशनड होती हैं वहाँ पे, वो डायरेक्टली वहाँ से अपना मैक्सिमम मार्क्स एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेंड लिख सकते हैं, ओके। बट कुछ स्टूडेंट्स के मार्कशीट में ऐसा डेफिनेटली मेंशन नहीं होता है, वहाँ पे वो CGPA होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, आपको अपने मार्कशीट के पीछे देखना है, कुछ डेटा वहाँ पे रहता है बहुत कई बार, अगर कुछ कन्वर्जन फैक्टर है तो आप उसके बेसिस पे अपना ये दोनों कैलकुलेट कर लीजिए और ये फिलअप कर लो। कन्वर्जन फैक्टर नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आप चाहो तो उसकी वेबसाइट से देख सकते हो, बट ये दोनों मार्क्स आपको फिलअप करने ही करने हैं, एंड बेस्ड ऑन दीज टू मार्क्स आप अपना एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और डाउट ये होता है कि सर हमको बेस्ट ऑफ 5 लेना है या सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, बहुत सारे मार्कशीट में बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से परसेंटेजेस रहते हैं, बट यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट मार्क्स लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट बेस्ट ऑफ 5 ले लिया, जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, आपने सारे ही सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे एग्रीगेट निकालना होता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जब आप यहाँ पे एग्रीगेट लिख रहे हो ना स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान में रखना, एग्रीगेट निकालते वक्त लेट से आपका एग्रीगेट 70.166666 इस तरह से आया है, तो इसको आपको राउंड ऑफ करना है एट 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको आप राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, 70.17, ओके, समझ गए। आपको राउंड ऑफ करके अपने एग्रीगेट्स लिखने हैं, अगर आप राउंड ऑफ नहीं करोगे ना तो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ता है। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप करो वाई फिलिंग योर फॉर्म। सिमिलरली जैसा हमने अपने 10th के लिए अपलोड किया था, वैसा ही आपको अपने 12th और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी अपलोड करना है कि कोर्स टाइप आपने 12th या इक्विवेलेंट किया है, डिप्लोमा किया है, आप यस नो सेलेक्ट करोगे, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, ये आप वैसे ही आपको फिलअप करना है, ओके। नहीं है तो आपको अपना कन्वर्जन फैक्टर देखना है, वो भी नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी में
फ़ोन करके वो बातें हमें पूछनी होंगी। उसके बाद आर यू इन योर फाइनल ईयर ऑफ डिग्री, तो येस नो आप करोगे। हैव यू कम्प्लीट योर बैचलर्स डिग्री, अकॉर्डिंगली आपको भरना है। लेट्स टेक सम सिनेरियो की, सपोज कोई अपने फाइनल ईयर में नहीं है, अगर आपने यहाँ पे नो किया है और यहाँ पे येस किया है तो क्या टैब्स खुलते हैं। सो इफ यू हैव योर बैचलर्स डिग्री, आपको इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देना रहेगा। सो मेक श्योर कि यहाँ भी आपके पास अपनी बैचलर्स डिग्री हो आपके सामने, तभी आप ये सारे डेटा इनपुट कर पाओगे। ओके, सो टोटल ड्यूरेशन क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, स्टेट, यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूशन, डिग्री नेम, डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन स्ट्रीम, मंथ, ईयर, ईयर ऑफ कंप्लीशन, ओके, एंड सिमिलरली मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेंड, ये सब आप अपने मार्कशीट से प्रॉपरली रीड करके यहाँ पे अपना डेटा भर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड डू यू हैव और आर यू अंडर गोइंग डुअल और फाइव डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स, यस नो अकॉर्डिंगली आप भर देना। वैसे ही लेट्स से लास्ट स्लाइड में हमने उसको नो किया था, यहाँ यस किया था, अगर आप वहाँ पे यस करते हो तो क्या ऑप्शन आता है, लेट्स सी। अगर आप वहाँ पे यस करते हो तो वापस से आपको फिर से सारे डेटा आएंगे, टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, करंट सेमेस्टर, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम, नेम ऑफ कॉलेज, डिग्री नेम, डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन स्ट्रीम, मंथ, ईयर, प्रोबेबल मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, मतलब किस मंथ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्क्स अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आप करेंटली फाइनल ईयर में हो तो इसमें अभी तक आपके जितने मार्क्स आए हैं उसका एग्रीगेट लिखना है। ऐसा नहीं है कि फाइनल डिग्री कंप्लीट करने के बाद उस वक्त आपके कितने एग्रीगेट बनेंगे वो लिखना है, अभी तक जितने आपके मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से एग्रीगेट निकाल के हमको यहाँ पे लिख देने हैं वो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू यू वॉन्ट टू एंटर मास्टर डिग्री डिटेल, यस नो आप कर दो। एंड अदर प्रोफेशनल डिग्रीज के बारे में जो कुछ है, आर यू अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, यस नो कर दीजिए। या आपके पास सी ए सी एस डिग्री है, यस नो कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ये करना है। उसके बाद अपना अगला टैब है वर्क एक्सपीरियंस का। अब देखो, वर्क एक्सपीरियंस करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस लिखते वक्त आपको जुलाई 31st तक आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस है वो बताना है। आई रिपीट अगेन, ऐसा नहीं कि नवंबर जब कैट एग्जाम है तब आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस होगा, वो नहीं। जुलाई 31st तक आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस होना है आपको ये बताना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कॉलेज के ड्यूरेशन में अगर आपने कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं तो वो चीज़ें काउंट नहीं होती हैं। कॉलेज के बाद आपने कुछ वर्क किया है तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इसमें से आप कुछ सेलेक्ट कर लो कि अगर आपने ऑटोमोबाइल्स में किया है, बैंकिंग में किया है काम। और यस, एक इंपॉर्टेंट बात ये, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, ब्रेक है, एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखते हो उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास हो, ताकि आपको आप वो चीज़ प्रूव कर पाओ और यहाँ पे इजीली चीज़ें यहाँ पे भर पाओ। फॉर्म भरते वक्त वो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आप स्टार्ट डेट भर सकते हो, एंड डेट भर सकते हो। अगर उस ड्यूरेशन में कुछ ब्रेक हुआ है तो आपको ब्रेक भी लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इन डेज कैलकुलेट होकर एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाती हैं। तो अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया है, लेट्स से आपने कुछ मंथ्स ऑटोमोबाइल्स में काम किया, फिर आप बैंकिंग में चले गए, फिर आप इंजीनियरिंग में चले गए, तो वो सारे ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे ही ये कुछ डिफरेंट सेक्टर्स हैं। लेट्स से अगर आपने जिस सेक्टर में काम किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आप अदर सेलेक्ट करके अपने इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमने तो अपने फर्म में काम किया है, उसको क्या हम कैसे मेंशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। आपको सिंपली कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने चाहिए, शो करने होंगे, कि जैसे सैलरी स्लिप हो गई, ओके, अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको तैयार रखनी पड़ेंगी कि आप कैसे प्रूव कर पाओ कि हाँ आपने काम किया है, ठीक है। जो भी आप प्रूव कर सकते हो वो चीज़ें आप यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। एंड प्लीज़ जस्ट
रिमेंबर कि 31 जुलाई तक आपको जितना वर्क एक्सपीरियंस हुआ है हमें वो मेंशन करना है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, आप डॉक आप सोच समझ के फोकस्ड होकर फॉर्म भरिए, राइट। सिंपल चीज़ें, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फॉर प्रोग्राम्स। सो स्टूडेंट देखो, अब जितने भी हमारे आईएम्स हैं, 20 आईएम्स हैं, उनके सारे ही प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन होते हैं। ओके, आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, आपकी इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो फ्रेशर्स हैं जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कौन कौन से कोर्सेज आपको करने हैं उनको आपको आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे आप कोई PGDM कोर्स, MBA कोर्स, इन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करोगे, आप PhD कोर्स के लिए अप्लाई नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो जो हमारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, आप अकॉर्डिंगली इफ़ यू वांट आप एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ के यहाँ से इन सारे टैब्स में, जैसे IIM अमृतसर MBA ये करना है नहीं है, IIM अमृतसर PhD अभी नहीं करना है, ओके। तो अकॉर्डिंगली आपको अपने हिसाब से यहाँ सारे कोर्सेस टिक मार्क करने हैं। इट्स पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती हैं, तो इसमें अकॉर्डिंगली आपको भरना है। एंड सिमिलरली इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस दे दीजिए, कहाँ कहाँ पे आप पहुँच सकते हो, क्या अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिटीज़ हैं, ये आपको प्रेफरेंस भरने होते हैं। ओके, सो कुछ कोर्सेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, IIM बेंगलोर PGP है, IIM बेंगलोर PGPEM है, ओके। तो इस तरह से ये सारे कोर्सेस यहाँ पे मेंशन मिलेंगे, आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। नाउ टेस्ट सिटी टैब, टेस्ट सिटी मतलब आप अपना कैट का एग्ज़ाम कहाँ पे देना चाहते हो, वो सिटीज़ आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बतानी है। 6 choices हैं आपके पास। सो आपके लिए नियरेस्ट सिटी क्या होगी, एग्ज़ाम के वक्त कौन सी सिटी मोस्ट अप्रोचेबल है, अगेन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये प्रेफरेंस दीजिए। प्रेफरेंस में जब जस्ट ये आप ध्यान रखना कि अगर आपने जो सिटी, लेट्स से प्रीफर्ड टेस्ट सिटी वन में आपने मुंबई चूज़ की, तो नेक्स्ट में अब वो मुंबई वापस से नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप सारे टाइप्स में एक ही सिटी भर सकते हो, ये नहीं होता है, ओके। तो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप टेस्ट प्रीफर्ड सिटी दो। इंटरेस्टिंगली कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स IIM अहमदाबाद जाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वेन यू सेलेक्ट अहमदाबाद, वहाँ पे एक अहमदनगर का भी ऑप्शन होता है। तो कई बार जल्दीबाजी में ऑप्शंस एक्सचेंज हो जाते हैं, उसका आप ध्यान में रखना, ठीक है। प्रेफरेंस दे दीजिए, सेवन नेक्स्ट कर दीजिए। एंड लास्ट इज योर पेमेंट, ओके। सो फॉर जनरल कैटेगरीज इट इज़ 2300, फॉर SC ST इट इज़ अराउंड 1150। पेमेंट करने से पहले मेक श्योर कि आपने उसका प्रीव्यू कर लिया है फॉर्म का, सारे डिटेल्स आपने ध्यान से भरे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू करने का, है ना, प्रीव्यू कर लीजिए फॉर्म का, आप अपने सारे डिटेल्स चेक कर लीजिए। बिकॉज पेमेंट के बाद आप कुछ भी उसमें एडिट या कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। सो इट्स अ लेंदी प्रोसेस, आप उसको देख लो कि आपने सारे डिटेल्स जो भी वहाँ पे भरे हैं वो सारे सही हैं कि नहीं, प्रीफर्ड सिटी हमारी, हमारे एकेडमिक्स, हमारे वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्टली फिलअप हुई हैं कि नहीं, वो आप चेक कर लो। उसके बाद पेमेंट करने से पहले आपको ये डिक्लेयर कर दीजिए। एंड हाँ, एक और चीज़ है, जब आप पेमेंट करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे आते हैं, ऑप्शंस जैसे कार्ड पेमेंट हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, UPI पेमेंट हो गया, राइट। तो आई वुड जस्ट प्रीफर कि आप कार्ड पेमेंट करो, बिकॉज कार्ड पेमेंट थोड़ा फास्ट होता है। UPI पेमेंट वगैरह कभी कभी अटक जाते हैं स्टूडेंट्स, सर्वर स्लो चल रहा है, राइट। तो इफ़ इट इज़ देयर, चूज फॉर द कार्ड पेमेंट फ्रॉम देयर, ओके। एंड देन जस्ट डू द डिक्लेरेशन टू दिस कैप्चा एंड सबमिट। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मेक श्योर कि इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो चीज़ें आप फॉलो करो। एंड इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जो भी डाउट्स कुछ इसमें रह गए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको कमेंट में मेंशन करो, दे ऑल डाउट्स विल बी एड्रेस्ड, ओके। थैंक यू।